शरीर को कुचलने वाला दबाव, विषाक्त वातावरण, अजीब भयानक तापमान, यदि आपने हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों का दौरा किया है तो आपके लिए यही होगा। लेकिन आपको अन्य किन पर्यावरणीय खतरों का सामना करना पड़ेगा? कौन से ग्रह सबसे सुरक्षित होंगे और कौन से सबसे खतरनाक, और आप उनमें से किसी पर कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? यदि आप हमारे सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह पर एक दिन बिताते हैं तो क्या होगा? और यहाँ बताया गया है कि क्या होगा। सौर मंडल के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आपको पानी की एक बोतल वापस लेनी चाहिए। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर तरल पानी के लगातार भंडार हैं, इसलिए यदि आप पर्याप्त सामान पैक करते हैं तो आप शायद कहीं भी कुछ दिन जीवित रह सकते हैं। सही, यह कहते हुए खेद है कि मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। आइए सौर मंडल में लगाए गए सबसे छोटे पारे की यात्रा से शुरुआत करें। यह चट्टानी क्रेटर से भरा ग्रह है। यह हमारे चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है और यह सूर्य के बेहद करीब स्थित है। इसकी दूरी 10,00,000 किलोमीटर है। अब आपके पास पारा स्कूलों में एक दिन भी नहीं है। पृथ्वी पर लगभग 39 दिन आपकी यात्रा होगी। टी उसके निकट कहीं भी अंतिम, इस धीमी गति से घूमने के कारण आप धूप वाले हिस्से पर उतर सकते हैं जहां तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, या हो सकता है कि आप अंधेरे हिस्से पर उतर सकें जहां तापमान शून्य से 180 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। आपका सबसे अच्छा दाव बीच में कहीं एक आरामदायक स्थान होगा, लेकिन मुख्य रूप से ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से बने वातावरण में बहुत लंबे समय तक सांस लेना सौभाग्य की बात है। यहाँ तक कि इस मध्य मैदान में भी आप 2 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आइए देखें कि सूर्य से दूसरे ग्रह शुक्र पर एक दिन कैसा होगा। आपको बहुत गर्मजोशी से स्वागत की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि सतह का तापमान अत्यधिक 475 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों तक रह सकता है। और यदि आप इस लंबे दिन के सोफे को बनाना चाहते हैं तो आप मैगलन टीवी पर उपलब्ध सभी अविश्वसनीय वृत्तचित्र श्रृंखला देख सकते हैं। मुझे पता है कि शुक्र की खोज के साथ इस मृत दुनिया में क्या हुआ। हमारे सहयोगी ग्रह पर जीवन की संभावना पर एक गहराई से नज़र डालें और मुझे आपके लिए काम करना है। क्लाउड जीवा, इस डॉक्यूमेंट्री के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ एक आँख खोलकर सो रहा हूँ। मैगेलन टीवी हर हफ्ते नए विज्ञापन मुक्त शीर्षकों के रूप में इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, इतिहास, प्रकृति और भौतिकी से HD या 4000, लेकिन जो MTV किसी भी मंच पर उपलब्ध सबसे विविध वृत्तचित्र शीर्षकों के रूप में है जिसे आप किसी भी डिवाइस पर देख सकते हैं। कोशिश की गई डॉट मैगलन पर अपने विशेष प्रस्ताव का दावा करें। tvhum.com एक वार्षिक सदस्यता उपहार कार्ड खत्म होने पर उसे काट देगा और दूसरा मुफ्त में प्राप्त कर लेगा। जब भी आप चाहें कहीं भी हमारे ब्रह्मांड का अन्वेषण करें। यहाँ बहुत गर्मी है। जब तक आपके पास एक असंभव रूप से मजबूत अंतरिक्ष यान नहीं है, आप सतह के बहुत करीब नहीं पहुंच सकते हैं, और अगर हम ऐसा करते भी हैं तो आप 154,000 बार के घने और जहरीले वातावरण के रूप में बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। पृथ्वी के वायुमंडल से अधिक कार्बन और यह सल्फ्यूरिक एसिड के पीले बादलों में डूबा हुआ है। आप कह सकते हैं कि वेनिस का वातावरण एक भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव है। विषाक्तता और गर्मी के कारण आप शुक्र ग्रह पर एक सेकंड भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अब चलिए मंगल ग्रह पर चलते हैं। जब तक आप वापस धरती पर रुकना या ताज़ी हवा में 2 सांस लेना नहीं चाहते, मंगल पर आपको एक दिन में आराम मिलेगा जो कि 24 घंटे से थोड़ा अधिक है।
जो आपको आरामदायक नहीं लगेगा वह है कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण, नाइट्रोजन खत्म हो गया है और थोड़ा इसी ऑक्सीजन और पानी है। मंगल की सतह ठंडी है और औसत तापमान -62 डिग्री सेल्सियस है। कम सतह के तापमान को अनियंत्रित हवा के साथ जोड़ दें और आप यहां कुछ मिनटों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। अगले ग्रह पर आप सतह तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां कोई गैस विशाल बृहस्पति नहीं है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों की तुलना में दोगुने से भी अधिक विशाल है और इसका वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया और पानी के ठंडी हवा वाले बादल हैं। बृहस्पति भारी हो सकता है लेकिन यह विशाल रूप से घूमता है। एक दिन पृथ्वी के केवल 10 घंटे तक चलता है और क्योंकि यह इतना तेज है कि बृहस्पति के वातावरण में जेट स्ट्रीम और बड़ा लाल धब्बा खींचा गया है जो वास्तव में आकार से बड़ा तूफान है। पृथ्वी यदि आप ग्रह में गिरे तो आप प्रति सेकंड 49 किलोमीटर की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। जैसे जैसे आप गिरेंगे वातावरण नर्तक बन जाएगा और अशांत हो जाएगा। आपको बार बार ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी दीवार से टकरा रहे हैं। यदि आप 699 किलोमीटर नीचे चले गए तो आपको मारियाना ट्रेंच के नीचे दबाव का स्तर अधिक मिलेगा। यह पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। यदि दबाव ने आपको नहीं मारा तो तापमान औसतन 0 से 145 डिग्री नीचे रहता है। सेल्सियस निश्चित रूप से होगा। आप बृहस्पति पर एक सेकंड भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अब यदि आप शनि पर चलते रहे तो आपको नौकरों के बिना एक और विशाल गेज मिलेगा और बृहस्पति की तरह एक दिन लगभग 10.7 घंटे तक चलता है। यहां आपको घातक तेज हवाओं का अनुभव होगा। एक टीम तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचना। हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक अपरिहार्य वातावरण के साथ शनि जीवन का समर्थन करने में असमर्थ है। हो सकता है कि आपको इसके चंद्रमाओं में से एक पर अधिक भाग्य मिले, जैसे कि शीर्षक दिया गया है, या और इसे बेच दें। इन दो चंद्रमाओं में आंतरिक महासागर हैं जिनकी आपको सैद्धांतिक रूप से जीवन का समर्थन करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे सौर मंडल में बर्फ के पहले विशालकाय ग्रह यूरेनस की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का अपथनीय वातावरण भी है जो ग्रह को प्रभावित करता है। इसका विशिष्ट नीला हरा रंग और सड़े हुए अंडों की दुर्गंध है। यूरेनस पर कुछ अन्य असामान्य खतरे हैं जिनके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है, जैसे कि एक्सरे की रहस्यमय परतें या यह अंतिम लेकिन कम से कम नेपच्यून नहीं है। गहरे ठंडे ग्रह पर सुपरसोनिक जीत 2000 किलोमीटर प्रति घंटे जितनी मजबूत है, जो एक लड़ाकू जेट की शीर्ष गति से भी तेज है। इसलिए यदि दबाव ने आपको नहीं मारा तो वे सुपरसोनिक जीतें शायद उस दिन काम करेंगी जिनसे मैं मिला था। 2 और 16 पृथ्वी घंटे तक रहेगा लेकिन वहां आपका जीवन एक सेकंड भी नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा है। यदि यह स्पष्ट नहीं है तो बर्स्ट एकमात्र ऐसा ग्रह होगा जहां आप निकट भविष्य में कभी भी